नमस्कार दोस्तों, छवि की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ, सूजी की इडली, जिसे आपके बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करके खाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूजी एक पाव, इसे अच्छे से लाल होने तक सेकते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम किया है मैंने। मैं इसमें ऐड करूंगी राई, जीरा, महीन कटे आलू प्याज और हरी मिर्च। ये देखिए आलू प्याज लाल होने शुरू हो चुके हैं। मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर महीन कटे। वन टीस्पून हल्दी पाउडर, वन टीस्पून रेड चिली पाउडर, वन टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, इसमें मैं ऐड करूंगी पानी दो ग्लास। इसमें मैं ऐड करूंगी कसूरी की मेथी क्रश करके, काला नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च पिसी हुई, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सूजी गाढ़ी होनी शुरू हो गई। इसमें मैं ऐड करूंगी पानी और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे सूजी के मिक्सर में ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी कद्दूकस की हुई अदरक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैं 15 मिनट रेस्ट पे छोड़ देती हूँ। 15 मिनट बाद चेक करेंगे। इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून, ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। 15 मिनट हो चुके हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और दो नींबू। ये देखिए बबल्स उठने स्टार्ट हो गए हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे 5 से 7 मिनट तक छोड़ देती हूँ। ये देखिए मैंने इन पे घी लगा लिया है। इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ। इसमें लगा देते हैं अच्छे से कुछ इस तरीके से। राई, मीठे नीम पत्ते। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी की इडली बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। देखिए इसमें मैं ऐड करूँगी हरी चटनी,
इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसके ऊपर फैला देते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी राई का तड़का। गार्निश के लिए मैं इस पे ऐड करूंगी नमकीन। कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, महीन कटी प्याज, फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।